हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईपैड 9th जनरेशन की। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। तो ये रहा आईपैड 9th जनरेशन का बॉक्स, व्हाइट कलर में। यहाँ पे एप्पल का लोगो चमचमाता हुआ। एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हमेशा डिलीवरी बॉय के सामने को लेगा, क्योंकि अगर कोई मतलब ख़राब आया तो आपके पास प्रूफ होगा तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये रहा मैंने जो डिलीवरी बॉय में खोला था, तो ये है। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम खोलते हैं। तो ये खोलते ही हमको ऊपर ही आईपैड रखा हुआ मिलता है, जो कि बटर पेपर में से कवर है, जो कि प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो ये है एक यूजर मैनुअल होगा इसके अंदर। यहाँ पे डिजाइन बाय कैलिफोर्निया लिखा है, तो उसको खोल लेते हैं। यहाँ पे ये आई पे लिखा हुआ है यूजर मैनुअल होगा, जो कि कोई यूज़ नहीं करता। यहाँ पे दो बड़े बड़े सेफ लिखाए हुए, तो इसको भी रखते हैं। और ये आप लोग यूजर मैनुअल देख सकते हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। तो ये है एक 20 वाट का चार्जर। यह है चार्जिंग केबल, जो टाइप सी और लाइटनिंग केबल है। अगर दो ही टाइप सी होते तो बहुत अच्छा होता। अभी हम आईपैड को खोल लेते हैं। तो ये रहा, तो अभी बटर पेपर को उठाते हैं। ओ भाई, सो सैटिस्फाइंग। तो यह है स्पेस ग्रे में, जो कि यहाँ पे एप्पल का लोगो आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग जाता है एप्पल को देखते ही। भाई ये मेरा फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट है। तो ये स्पेस गेम है, जो कि आपको सिल्वर में मिल जाएगा, लेकिन स्पेस गेम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और ये वाईफाई वर्जन है, तो या हमको सिल्वर नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पड़ जाता है। हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए यही अच्छा है, वाईफाई से कम चला लेंगे। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो और ये सेव आ गया भाई, एप्पल आ गया। तो अभी इसको सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हैं। तो यहाँ पे हेलो होला आ गया है। अभी इसको लैंग्वेज वैंग्वेज के सब सेटअप कर लेते हैं, वो तो आप सबको आता ही है। तो फिर मिलते हैं। तो ये हमने सेटअप कर लिया, और क्या ही स्मूथ है भाई। 60 हर्ट्ज का है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा 60 हर्ट्ज का है। तो ये रहा, तो इतना अच्छे से तो मुझे अभी आता नहीं है, थोड़ा और फंक्शन देखना पड़ेगा। तो ये ही है, और क्या ही बोलूँ, क्या ही लगता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 10.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, और ये लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से 24 सितंबर को। और इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आईपैड ओएस 15 मिल जाता है, और एप्पल A13 बायोनिक चिप 64 बिट, मतलब ये आपको आईफोन 11 में भी मिल जाता है। इसमें आपको रैम 3 GB LPDDR4X SDRAM मिलेगा, जो कि आप लोगों को एप्पल का तो पता ही है, एप्पल का 3 GB रैम और बाकी का 8 GB रैम का टक्कर। तो इसमें तो कोई मतलब क्या ही बोलूँ, 3 GB रैम भी बहुत पावरफुल है। और इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएगा, 64 GB और 256 GB। तो मेरा 64 GB है। और यहाँ पे आपको 500 nits का ब्राइटनेस भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है। और कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और रियर में 8 मेगापिक्सल का। अगर आप बजट में कोई गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप बीजे में खेलेंगे तो 60 FPS ऐसे मिल जाएगा, अल्ट्रा HD तक जा सकता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर 30,000 में अगर आप लैपटॉप या कुछ और लेंगे तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आईपैड लोगे तो आप लोगों को 3-4 साल तो आराम से चल जाएगा। लेकिन एक लैपटॉप कितना, वो तो हैंग होगा ही, लेकिन एप्पल का तो आप लोगों को पता ही है, 3-4 साल तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यही है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट भी कर देना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।